वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 मई को झारखंड में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 23 और 24 मई को राज्य में कहीं कहीं हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 21 और 22 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और 23 मई को तूफान और बादल की गर्जना और वज्रपात के समय में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है, जबकि 24 मई के बाद से बारिश में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है और इसी कड़ी में 25 और 26 मई को राज्य के कई जगहों पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 21 तारीख को और 22 तारीख को भी झारखंड में आपको कुछ स्थान पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर जो एरिया है आपका पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और सटा हुआ निकटवर्ती मध्य भाग में, और 23 में राज्य में कहीं कहीं पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 24 में भी आपको राज्य में कुछ कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है, और 21 और 22 में जो हवा की चेतावनी है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की संभावना है। 21 को वही उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भाग में, और 22 तारीख में राज्य में कहीं कहीं पे आपको जो हवा का झोंका है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता हुआ दिख सकता है। 23 तारीख में जो हवा की गति है वो 30 से 40 किलोमीटर गर्जन वज्रपात के समय में चलने की संभावना है, और बारिश की बात करें तो 24 के बाद से थोड़ी सी बारिश में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। 25-26 में राज्य में कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है।